आज का वीडियो खासतौर पर सिक्योरिटी के लेकर है, जो सभी के लिए है गाइस। आप लोगों में से कई लोग होंगे जिनके नाम पर कई सारा नंबर होगा रजिस्टर, चाहे आप कई सारा नंबर निकाले होंगे और आपको पता नहीं कि आप अपने नंबर कितने नंबर निकाले गाइस। यदि आप जानना चाहते हैं कि आपके नाम पर कितने नंबर रजिस्टर है, कितने नंबर आपके नाम से लिंक है गाइस, उसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टेलीकॉम जो होता है वो एक वेबसाइट लॉन्च किया है, एक पोर्टल लॉन्च किया, उसके ऊपर जाकर आप पता कर सकते हैं आपके नाम पर कितने सारे नंबर रजिस्टर है, आपके नाम पर कितने सारे नंबर चल रहा है। यदि आपको ऐसा वहाँ पर दिखता है कि कोई ऐसा नंबर है जिसे आपने नहीं निकाला है, चाहे आपके नाम पर फिर भी चल रहा है, तो आप उसे रिपोर्ट कर सकते हैं, उसे हटा सकते हैं। चाहे ऐसा कोई नंबर जो पहले आपने रजिस्टर करवाया है लेकिन अभी भी वो रजिस्टर आप इसे यूज नहीं करते हैं, तो वहाँ पर नॉट रिकॉर्ड करके ऑप्शन आता है, वहाँ से आप उसे भी हटा सकते हैं रिक्वेस्ट करके गैस। यदि आप जानना चाहते हैं कि आपके नाम पर कितने नंबर रजिस्टर है, तो उसके लिए गैस इस वीडियो को आपको पूरा देखना है, स्किप नहीं कीजिएगा, नहीं तो हो सकता है ना समझ में आए। प्रैक्टिकली हम बताऊँगा अपने लैपटॉप पर जाकर के किस तरह से आप चेक कर सकते गैस, आप उसे मोबाइल से भी कर सकते गैस। गैस मैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर आपको ले चलता हूँ पर कितने मोबाइल नंबर रजिस्टर है वो जाने के लिए आपको टैप को आप बोल के इस पोर्टल पर आपको आना है। यहाँ पर आकर के यहाँ पर देखिए आपको इंटरव्यू मोबाइल नंबर लिखा हुआ है, यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर डालना है और रिक्वेस्ट ओटीपी पर आपको क्लिक कर देना है। याद रखिए कि आपको वही मोबाइल नंबर डालना है जो आपके नाम पर रजिस्टर हो। जैसे मैं अपना मोबाइल नंबर डाल दिया और यहाँ पर देखिए रिक्वेस्ट ओटीपी पर क्लिक कर दिया। जैसे इस पर क्लिक कीजिएगा एक अलग इंटरफेस खुलकर सामने आएगा और आपके मोबाइल पर एक ओटीपी जाएगा, वो आपको यहाँ पर सबमिट करना है। मेरा एक ओटीपी आ गया, मैं सबमिट कर दे रहा हूँ ओटीपी। ओटीपी सबमिट करने के बाद वैलिडेट पर आपको क्लिक कर देना। जैसे आप वैलिडेट पर क्लिक कर दीजिएगा तो इस तरह का इंटरफेस खुलकर सामने आएगा और आपको यहाँ पर दिख जाएगा कि आपके नाम पर कितने नंबर रजिस्टर है। पूरा का पूरा देखिए चार नंबर रजिस्टर है, इसमें से कोई भी ऐसा नंबर आपको यदि लगे कि जो आपने रजिस्टर नहीं करवाया, जो आप नहीं यूज कर रहे हैं और फिर भी रजिस्टर है, आप उसे रिपोर्ट कर सकते हैं। यदि आप बहुत पहले रजिस्टर था, आप उस नंबर को यूज नहीं करते हैं, तो उसे भी आप रिपोर्ट करते हैं। जैसे मैं इस नंबर को मान चलिए यूज नहीं करता, तो इसे मुझे रिपोर्ट करना है, तो यहाँ पर आपको क्लिक करके देखिए यदि ये आपको नंबर नहीं है तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ दिस इज नॉट माई नंबर, इस पर क्लिक करके आपको यहाँ पर रिक्वेस्ट पर क्लिक कर देना। यदि आप इसे अभी यूज नहीं कर रहे हैं, यूज में नहीं, तो आप यहाँ पर इस पर क्लिक कर रहे हैं नॉट रिक्वायर्ड, मतलब इस नंबर को अब मुझे जरूरत नहीं है, मतलब इस नंबर की जरूरत नहीं है, आप इस पर रिपोर्ट कर सकते हैं। जैसे इस पर क्लिक कीजिए रिपोर्ट हो जाएगा गाइस, लेकिन मुझे यूज करना है, सभी नंबर को यूज हम करते हैं तो हमें रिपोर्ट नहीं करना है। यदि आप रिपोर्ट करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर एक पॉपअप खुल कर आ जाएगा और वहाँ पर एक पॉपअप में आपको कुछ नंबर मिलेगा जो जिससे आप ट्रैक कर सकते हैं अपने स्टेटस को। ट्रैक करने के लिए वो वाला नंबर आप यहाँ पर क्लिक करेंगे और ट्रैक पर क्लिक करेंगे तो आपका स्टेटस ट्रैक हो जाएगा गाइस। तो इस तरह से आप अपने नाम पर जितने भी नंबर रजिस्टर है आप पता कर सकते हैं और उसे रिपोर्ट भी कर सकते हैं। यदि आपको ऐसा लगता है कि कोई नंबर आपके नाम पर रजिस्टर है जो आपने रजिस्टर नहीं किया है गाइस, इस तरह से आप पता कर सकते हैं आपके नाम पर कितने नंबर चल रहा है। यदि कोई ऐसा नंबर है जिसे आपने नहीं निकाला है फिर भी चल रहा है, तो उसे आप रिपोर्ट कर सकते हैं, हटा सकते हैं। यदि कोई ऐसा नंबर है जिसे आप यूज नहीं कर रहे, पहले निकाले, तो उसे भी आप रिपोर्ट करके हटा सकते हैं। दोस्तों यदि वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। इस चैनल पर नए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इस तरह का कोई भी वीडियो मैं अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुँचे। वैसे मिलते हैं एक नए वीडियो साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।